हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक। सो गाइस, इस वाले वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है, जो कि रिलेटेड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, बट इसमें थ्योरी ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन टूल्स को कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसमें बता दूं कि क्या बताने वाला हूँ। तो हम इसमें देखने वाले हैं सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, वर्जन ऑफ कंट्रोल सॉफ्टवेयर कौन से हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मॉनिटरिंग एंड प्रोविजन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट टूल्स कौन से हैं एंड वेरियर्स कौन से हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन चैलेंजेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रेडिशनली तरीका क्या हुआ करता था, ठीक है, मैं जो यहाँ पे थ्योरी दे रखा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और थ्योरी को जरूर चेक कर रहे हैं, है ना। तो मैं जो यहाँ पे बता दूँ आपको ट्रेडिशनल तरीका क्या था, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हमारे पास एक छोटी सी कंपनी है, अपनी एक छोटी सी कंपनी है और उसमें मैंने एक इंजीनियर रखा हुआ है, ठीक है, वही हमारा सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी देख रहा है आपको, एक एज अ डेस्कटॉप ऑपरेटर भी है और आपका नेटवर्क इंजीनियर भी है, वो सारा कुछ देख रहा है, आपका सीसीटीवी देख रहा है, सिस्टम को हैंडल कर रहा है, फायरवॉल भी देख रहा है, नेटवर्क इंजीनियर भी बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, उसमें क्या होता है सारा कुछ मैनेज कर लेता है। पर आपने देखा कि जैसे उसने सारा कुछ चेंजेस किया तो खुद ही देख रहा है, तो दैट्स नॉट बिग इशू, अगर उसने चेंजेस किया तो उसको पता है कि मैंने चेंजेस क्या किया हुआ। पर आपकी थोड़ी सी कंपनी बड़ी है, उसमें एक 5 से 6 एम्प्लॉय है, आपके 2-3 इंजीनियर्स हैं, एक छोटा इंजीनियर है, एक बड़ा इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, तो सीनियर नेटवर्क इंजीनियर ने क्या किया, उसको थोड़ी सी राइट दे दी है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत नेटवर्क में चेंजेस ला सकते हो, उसने आपको कहाँ पे क्या चेंजेस किया है और फिर सेव कर दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लें, हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया और सेव कर दिया है ना, तो ये जो तरीका था हमने सेव कर दिया, हर जगह पे सेव कर देते हैं, थोड़ा सा कमांड चलाया और डब्ल्यू राइट कर दिया, ठीक है, राइट कमांड का यूज कर लिया हमने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हमें ना क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंसली पहले हमने क्या जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, उसके बाद सेव करना है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं है, फिर हमको उसको रिमूव करना है, फिर निकालना है, फिर से सेव करना है, अदरवाइज चीज़ें ये हो गई कि आपने उसको राइट दे रखी है, उसने नेटवर्क में क्या चेंजेस किए आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है, इन सब चीज़ की झंझट से और थोड़ी सी आपको मतलब फ्रस्ट्रेशन से आप इशूज से उन सब चीज़ों से बचना चाहेंगे, आपकी मॉनिटरिंग पार्ट में कैसे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके लिए आपका आता है ऑटोमेटेड। हम उस पर बहुत सारा बात कर चुके हैं ऑलरेडी, हम जब बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक में क्या होती है सारी चीजें, कि आपका जो वहाँ पे राइट्स था आपने बता दिया है ना, मैंने जो बताया था 0 to 15, आपने राउटर में देखा 0 to 15 आपके 16 स्टेप्स हैं, जो कि आपके उसमें सारे राइट्स हैं, मतलब फुल इन, ठीक है, 0 to 16 में आपके सारे राइट्स हैं, आपको आपके डिवाइस को या स्विच को L3 L2 को कैसे कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं और उसको कितनी राइट्स दे सकते हैं, ठीक है, मैंने उसको राइट दे रखा है सेव कर सकता है, उसको मैंने राइट दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में उसने अगर चेंजेस किया तो आपको पता है कि आपको ये आप सीनियर है तो आपको जरूर पता होगा कि उसने मैंने दे रखा है ग्लोबल मोड तक ही सेव कर, जो भी कॉन्फ़िगरेशन चलानी है चला सकता है, आपको उसके अंदर जो भी सब इंटरफेस या आपकी जो भी प्रोटोकॉल्स वो रन नहीं कर सकता, ठीक है, उसके एक्टिवेट नहीं कर सकता है। आप यहाँ पे थ्योरी भी देखेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट है जो मैंने बताया आपको, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं किसने क्या चेंजेस किया है, आपको क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या उसने वो चेंजेस किए हैं या नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाई सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, हमें सेंट्रल मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत क्या है, तो इसको हम ना थोड़ा सा इस पिक के तो समझते हैं, है ना, ये आपका सीनियर पर्सन है, नेटवर्क इंजीनियर है, ठीक है, और उसमें R1 और TXT है, ठीक है, और इसमें आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, R1 rank 1, ठीक है, आपने आपका जो भी इंजीनियर पार्ट बताओ, आपको जो भी लिखना है, ये होस्ट नेम है, कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है R1 और आपने सेकेंड एंड पे लिख दिया R2। अभी ये जो चेंजेबल पार्ट है ये आपके टेम्पलेट्स में आते हैं, वेरिएबल में आते हैं, ठीक है, और आपके जो अगर फिक्स है, जैसे कि आपने देखा आपको राउटर राउटर ही लिखा होता है, अगर कोई न्यू डिवाइस है तो वो R1 R1 शो करेगा या फिर राउटर राउटर शो करेगा, स्विच स्विच, तो आपके टेम्पलेट्स में आते हैं, जो भी हम चेंज करते हैं वो वेरिएबल में होता है। और दूसरा हमारा यहाँ पे देखते हैं उसके मैनेजमेंट के प्रॉफिट क्या हैं, ठीक है, जैसे कि हम पर डिवाइस पे कोई भी चेंजेस करते हैं और हमारे नेटवर्क लॉन्ग्स हैं, 100 ऑफ राउटर्स हैं, जो भी हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस होती हैं तो वो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूं यहाँ पे, ओके okay. okay, इस वाले वीडियो में देखते हैं और थोड़ा सा ये जो मैंने लैब ओपन किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे और
जिस तरीके से यहाँ पे इनेबल करेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे, पहले हम एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, ये हो गया हमारा नोट पैड, ठीक है। एक प्लस कर लेते हैं हमारी सारी चीजें, इनेबल एंड एंटर एंड कॉम्फ, ठीक है, कॉन्फ कर देते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे विलेन टू समथिंग नेम सेल्स, दैट्स इट। ओके, एंड डू डब्ल्यू आर चलाना है, चला सकते हैं, नहीं नहीं चला सकते, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और फिर यहाँ पे मैं पेश कर दूंगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एरर देख पा रहे हैं आपको, थोड़ा सा इसमें एरर दिखा रहा होगा। वो एरर का क्या मीन्स है, मतलब आपके कुछ चीजें इसमें जो कमांड जो नहीं लेते हैं, जैसे कि राइट मेमोरी लिखना है तो विदाउट राइट लिख के सिर्फ काम नहीं होना, आपको मेमोरी लिखनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कॉन्फिग टर्मिनल लिखना होता है तो इसमें कमी देखिए आपको, इसमें देखिए यहाँ पे टी नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे लगा दिया टी, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप देखेंगे कॉन्फिग टर्मिनल भी लिख सकते हैं। अब मैं कंट्रोल सी करूंगा, इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये प्रिविलेज मोड में लिया है आपको, मैं एग्जिट करता हूँ एंड एंटर, इनेबल मोड में यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, कमांड ले लिया, सेव भी हो गया। तो ये तरीका होता है, चीजें सही होंगी तो आप 100 आप राउटर से या प्लस जो भी राउटर्स रहेंगे उसमें आपके कोई इश्यूज नहीं होनी है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में। इसलिए मैं सेंट्रलाइज नेटवर्क बनाना होता है और उसके ऑटोमेटेड क्यों जरूरत पड़ती है, आप 1 जीगा आप पोस्टिंग करते हैं, आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको पेस्ट करते हैं और वो आपकी सारी डिवाइस पे एक्टिवेट कर देता है। सिंपल आउटपुट वर्जन ऑफ कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हमारे जो भी हम जब देखेंगे ऑटोमेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसमें। अब इसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग एंड प्रोविजन क्या है, इसको ना हम थोड़ा सा एक पिक के थ्रू समझते हैं। इस वाले पिक में देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देख रहे हैं, कॉन्फ़िग रनिंग, उसने सेव की फाइल को, ठीक है, अगर उसमें कुछ भी एरर है ऑटोमेटिक आपको क्या होता है, 100 रन 100 रन का कमांड कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे आपने डिबग लगा दिया या आपने जो भी आपने राइट्स लगा दी, एक लॉक्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग मॉनिटरिंग में देखते हैं अगर कोई आपका फिजिकली एक्सेस भी लेता है उसमें कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो आपको एरर शो कर रखता है आपके लॉग में, ठीक है, ये 100 रन करता रहेगा आपकी फाइल जो है कॉन्फ़िगरेशन में। मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, अब स्विच पे था ना, ठीक है। ओके ओके, नो नो, डू रन, ठीक है, डू 100 रन, ये सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपकी, ठीक है, मैंने यहाँ पे सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। एंड से लेके हम ना इसको कॉपी कर लेंगे जो भी चेंजेस किया होगा आपने, डू 100 रन तरह का। मैंने कंट्रोल सी किया, आप सिलेक्ट करेंगे रियल में, रियल एनवायरनमेंट क्या होता है कि आप सिलेक्ट करते हैं और वो कॉपी हो जाता है, ठीक है। और मैंने एक काम किया, यहाँ पे नोट पैड ओपन किया एक और यहाँ पे इंटर कर दिया, वेल ओके, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट सेव नहीं हुआ वंस अगेन, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर है तो ये मुझे यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी, यहाँ से कॉपी करना होता है, ठीक है। रियल एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्लस करता हूँ इसको और मैं यहाँ पे कंट्रोल, आप इसको सेंट्रलाइज लोकेशन आपको जहाँ पे चाहे वहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल होती है आपने यहाँ पे सेव कर रखा हुआ, इसलिए वो 200 रन करता रहता है। आप किसी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस करते हैं अगर, तो उसमें ये इश्यूज जो होते हैं आपकी, इसी का डब्लू राइट सेव हो गया। ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो चेंज करके आपको क्या कर देगा कि आपको जो भी चेंजेस करने होंगे यहाँ पे एडिट करेंगे आप, ठीक है। एडिट करने के बाद में आप उसको जो भी रिक्वायरमेंट दी आपकी जो चीज़ें सही थी यहाँ पे, और ये वाला फिर देखेंगे थोड़ा सा, पोस्टिंग है सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन रिमोट डिवाइस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन के जो कनेक्ट हुए हैं और यहाँ पे आपके जो भी चेंजेस थे कुछ इश्यूज आए तो यहाँ पे आप एडिट किया, आप उसको पुश कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और वो जाके वहाँ पे रिस्टोर हो जाती है सारी चीज़ें। जैसे कि मैं आपको छोटा सा बेसिकली बताऊंगा, जैसे कि आपके कोई भी चीज़ें डिलीट कर दी तो आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है, वहां से आपको फिर रिस्टोर करते हैं और चीज़ें सही हो जाती हैं। ओके, और इसमें कुछ बताने जैसा है आपको, टेम्पलेट्स और वेरिएबल्स के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जो टेम्पलेट्स होते हैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं और आपके वेरिएबल्स में चेंजेस कर सकते हैं, ये कुछ कमांड्स हैं।
वॉच नेम जो है आपने जब चेंज किया तो वेरिएबल में है, अगर नहीं चेंज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ, ये सारा कुछ हम आगे देखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में, कोई आपको परेशान नहीं होना है इन चीज़ों को लेके। सो गाइस ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे साथ बने रहें, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जितने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे उनको हेल्पफुल होगा, और ये वीडियो कैसी है आपके लिए तो कमेंट बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।